जाता है, जितने आदमी भी जाएंगे कपड़े वगैरह वो भी धुले हुए पहनेंगे, वहां जाके जो आदाब सलाम है वो सारे करेंगे, रुकू सजदा वगैरह। लेकिन जब दरखास्त पेश करने का मौका आएगा तो सिर्फ एक दरखास्त पेश करेगा, बाकी सिर्फ पीछे खड़े हैं, और वो समझा जाएगा कि ये सब की तरफ से दरखास्त हो रही है। तो इसी तरह ये दिमाग बाजमात में है कि इमाम फातिहा पढ़ रहा है, ये सब की तरफ से जमा के चीजें है ना, इया का ना बुदो इया का नस्ता ही, और ये मुकद्दी आमीर कहकर अंगूठे लगा रहे हैं, दस्त कर रहे हैं उसी दरखास्त पर। जब आमीर कह दी तो मालूम हुआ कि हम भी सारे इसी दरखास्त में शरीक हैं। अब देखिए, मैं यही कहा करता हूं कि फातिहा के बाद तो मुकद्दी आमीर कहता है, और इसमें इत्तेफाकी मसला है कि एक आदमी दुआ कर रहा है, बाकी आमीर कह रहे हैं, तो दुआ सब की तरफ से हो रही है ना। जैसे कुरान पाक में है कि मूसा अलैहि सलाम दुआ मांग रहे थे, हजरत हारून अलैहि सलाम ने आमीर कहा, अल्लाह ताला फरमाते कद उजीबत दावतो कुबा, तो वो हारून अलैहि सलाम की तरफ से भी हो गई ना। इस पर सबका इत्तेफाक है। अब फातिहा इमाम पढ़ता है, मुकद्दी आमीर कह लेता है। ये आमीर कहना ऐसा ही है जैसे इज्तिमाई दरखास्त पर अंगूठे लगा दिए, दस्तखत कर दिए कि ये हम सब की तरफ से है। अब दस्तखत भी कर रहा है और शोर भी मचा रहा है कि जी मेरे घर भी मुझे लगा देना, मेरे घर भी इस तरीके से लगा देना, तो सारे हंसेंगे कि बेवकूफ आदमी है, जब इसमें तू शामिल है अब तुझे अलग शोर मचाने की क्या जरूरत है। लेकिन फातिहा के बाद इमाम जो सूरत पढ़ता है उसके बाद मुकद्दी आमीर कहते हैं, नहीं कहते ना। तो अगर तुमने कुछ पढ़ना है तो ये सूरत पढ़ो जिसके बाद तुमने आमीर नहीं कही। फातिहा के बाद तो तुमने आमीर कह लिया और ये सब की तरफ से हो गई, इसके बाद आमीर तुमने नहीं कही। तो अगर चाहते हो तो ये पढ़नी चाहिए थी ना, अकल ये कहती है, लेकिन नहीं, हम कहते कि वो भी नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि सूरत फातिहा दरखास्त थी, इहदिन सिरात अल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, और हिदायत का तलब की ना अल्लाह से। आगे जो बाकी 113 सूरतें हैं वो इसी का जवाब है, जालिकल किताब ला रैब फी, आगे क्या है, हुदल लिल मुत्तकीन, क्या है, वही जो इहदिन सिरात अल मुस्तकीम में हिदायत तलब की थी इसी को हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये जो तुमने दरखास्त की है तो ये सूरतें उसी दरखास्त का जवाब है। अब इमाम जो है इसको समझे, इमाम को आगे खड़ा किया है, मेहराब किबला की दीवार और मुकद्दियों के दरमियान में खड़ा है, क्यों, ये सूरत फातिहा भी हमारा नुमाइंदा है, हमारी तरफ से अल्लाह की बारगाह में दरखास्त पेश कर रहा है, हम इसके पीछे आमीन कह रहे हैं। और फातिहा के बाद जो सूरत पढ़ रहा है उसमें हमारी दरखास्त का जवाब अल्लाह की तरफ से हमें सुना रहा है कि भाई ये कुरान पाक है जो हिदायत है, वो गोया अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जवाब है, जिसमें ये हमारा नुमाइंदा था उस पर हमने पीछे आमीन कही ताकि पता चले ये दरखास्त सब की तरफ से। लेकिन उस दस्तों के बाद जब ऑर्डर देगा बादशाह या अफसर देगा तो उन ऑर्डरों पर हमें दस्त करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उस सूरत में वो हमारी नियामत नहीं कर रहा बल्कि अल्लाह ताला की नियामत कर रहा है। इमाम जो सब की तरफ से दरखास्त पेश की थी इहदिन सिरात अल मुस्तकीम, इसी चीज का जवाब हमें अल्लाह ताला की तरफ से सुना रहा है, इसलिए अब हम सुनेंगे उस पर हम आमीन नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें वो हमारा नुमाइंदा नहीं अल्लाह ताला की तरफ से नुमाइंदगी कर रहा है। तो अब देखिए, सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह ताला ने उनको जो फहम और किताब सुन्नत का दिया था वो बहुत बुलंद, इसलिए
حضرت مجدد السعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا مقام بہت اونچا بنایا تھا. آئندہ کے بارے میں پیشگوئی بھی ملتی ہے. ایک عالم مدینہ کے بارے میں پیشگوئی ہے جس کے بارے میں مالکی حضرات بھی کہتے ہیں کہ اس پیشگوئی کے مصداق حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں. بعض اور کو بھی بیان کرتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اور بھی اس کے مصداق ہو سکتے ہیں لیکن مکمل فقہ اہل مدینہ میں سے صرف امام مالک رحمت اللہ علیہ کی ہے جس وقت جس پر دنیا بھی عمل ہو رہا ہے. اسی طرح عالم قریش کی پیشگوئی بھی ہے جس سے مراد لیا جاتا ہے کہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی ہے وہ قریشی بزرگ تھے لیکن مدینہ زمین پر تھا آسمان پر کیا خیال ہے؟ قریش زمین پر بستی آسمان پر. جب امام صاحب کی پیشگوئی ہوئی تو فرمایا لو کان الدین عند ثریا لتناولہ رجل من اہل فارس کہ اگر بالفرض میرا دین ساری دنیا سے اٹھ جائے اور ثریا ستارے تک بھی چلا جائے تو بھی اہل فارس میں سے ایک مرد ہونے والا ہے جو اس کو وہاں سے لا کر آپ کے سپرد کر دے. اب چار ہی امام ہیں جنہوں نے پوری پوری سنت کو مرتب کیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ. ان میں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جو ہے یہ بھی عرب کے شہبانی قبیلے سے، عربی ہے فارسی نہیں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ عرب کے بطرمی قبیلے سے، یہ فارسی نہیں ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ عرب کے عصب ہی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ بھی فارسی نہیں ہے. ایک امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فارسی ہوتا ہے. تو ان کے بارے میں جو پیشگوئی آئی اس میں ثریا سارے کا ذکر آیا، معلوم ہوا کہ ان کا فہم بہت بلند ہے. اگر دوسروں کا فہم زمین سے تعلق رکھتا ہے تو ان کا آسمان سے تعلق رکھتا ہے. اور تناول کا لفظ دیکھو، عام فہم آپ روز استعمال کرتے ہیں کہ آئیے کھانا تناول فرما لیجیے، تو کیا مقصد ہوتا ہے کہ اب کھانے کی تیاری اور پکانے کے سارے مرحلے طے ہو چکے ہیں، اب صرف ایک کام رہتا ہے کھانے کا. تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ تحقیق کے پورے مراحل امام صاحب مکمل کر جائیں گے، اب صرف عمل کرنا باقی رہ جائے گا، اب کسی نئی تحقیق کی ضرورت نہیں ہوگی. تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا چونکہ فہم بہت بلند تھا اس لیے جن لوگوں کا فہم وہاں تک نہیں پہنچتا، یہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فاتحہ کے کہنے غیر مقلد بھی. تو بھائی اس وقت بات غیر مقلدوں سے ہو رہی ہے، لامذمذ. یہ مسئلے اجتہادی ہوتے ہیں، اس کے بارے میں نے بتایا کہ اجتہادی مسائل جو ہے ان میں اولاً سارے حق ہیں اگرچہ حقیقتاً حق ایک ہوتا ہے، اس لیے نماز سب کی مقبول ہے. تو امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی نماز کے قبول ہونے میں ہمیں شک نہیں ہے، چاروں کی نماز قبول ہے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اور چاروں کو ایک ایک اجر کا پکا یقین ہے. چونکہ مجھ اگر خطاب کو بھی پہنچے تو ایک اجر ملتا ہے نا. اور دوسرے اجر کی چاروں کو امید ہے اللہ تعالی کی بارگاہ سے، لیکن یہ چاروں مذموں کا مسئلہ ہے، غیر مقلد اس میں نہیں آتا. یہ بات سمجھے کیوں حنفی، شافی، مالکی، حنبلی یہ کہتے ہیں کہ یہاں بظاہر دلائل میں تعارض ہے اور اس تعارض کو اللہ کے نبی پاک نے خود رفع نہیں فرمایا، جیسے بعض جگہ حضرت فرماتے تھے نا کہ پہلے میں نے 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت رکھنے سے منع کیا تھا، اب اجازت دیتا ہوں،
तो पता चल गया कि वो बात पहले की थी ये बात की। या फरमाया कि पहले मैंने कब्रों की ज़ियारत से मना किया था, अब इजाजत देता हूं। तो पता चल गया कि वो बात पहले थी ये बात की। इसी तरह अगर हदीसों में ऐसी बात आ जाती, हजरत फरमा देते कि पहले मैं फातिहा पढ़ने का कहता था मना करता हूं, या पहले मना करता था फातिहा पढ़ने का, इन दोनों हदीसों में हजरत को तस्दीक दे देते। या पहले मैं रफा इधर करता था अब नहीं करता, या पहले नहीं करता था अब करता हूं, तो अल्लाह के नबी पाक का फैसला मिल जाता। फिर किसी इमाम को इज्तिहाद की जरूरत नहीं थी और न हमें तकरीर की जरूरत थी। लेकिन यहां अल्लाह के नबी पाक का कोई फैसला मौजूद नहीं है, इसलिए इन मसाइल में अपने आप को अहले हदीस कहना अल्लाह के नबी पर झूठ बोल रहे, क्योंकि हदीस का फैसला यहां आई नहीं। अब हनफी शाफी जो फैसला लेते हैं वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इसके बारे में कोई वाज फैसला बयान नहीं फरमाया मिसाइल में, इज्तिहादी मिसाइल में अल्लाह के रसूल का कोई वाज फैसला नहीं है और इजमा भी इन मिसाइल पर नहीं, आजमा का इख्तलाफ है ना। तो चौथी दलील रह गई क्या, इज्तिहाद। अब इज्तिहाद मुजतहिद का काबिले एतमाद होता है, जो मुजतहिद नहीं उसका इज्तिहाद काबिले एतमाद नहीं, इसलिए हनफी शाफी इस दलील की बिना पर अपने मसलक को इख्तियार करते हैं। गैर मुकल्लिद तो झूठ बोलता है अल्लाह के नबी पाक पर कि गोया मैं नबी का फैसला सुना रहा हूं, पर अमल कर रहा हूं, अल्लाह के नबी का यहां कोई फैसला नहीं है। दूसरे वो जो इंतखाब कर रहा है कि इस हदीस पर अमल करना इस पर नहीं करना, उसके पीछे कोई दलील नहीं है, क्योंकि न कुरान है उसके पास इस मसले में, न सुन्नत है, न इजमा है और न वो खुद मुज्तहिद है। अब सिर्फ ये देख लेना कि उसका अमल भी इससे मिलता है इमाम शाफी से या फलां से बाज औकात, तो इससे फैसला नहीं होता। देखो जिस तरह दुनिया का कानून है, दीन का कानून भी यही है। हजरत ने फरमाया कि बद काला फिल कुरान में राय ही फाशाबा फकदाख्ता, जिसने कुरान पाक में अपनी राय से कुछ तफसीर की, सही भी कर ली, तो वो गुनाहगार है। अब ये हदीस मुज्तहिद के बारे में तो हो नहीं सकती, क्योंकि उसकी तो खिताब पर भी अजर है, समझा रही है बात ये नहीं, और मुकल्लिद के लिए भी नहीं हो सकती, क्योंकि वो राय लगाता ही नहीं, वो तो मुज्तहिद की ताबेदारी कर रहा है। तो इससे वही गैर मुकल्लिद मुराद है। आपके यहां भी कानून यही है कि देखिए एक डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा रहे हैं ना, वो डॉक्टरी पढ़ के मासूम नहीं हो गए, उनसे भी रिएक्शन हो जाता है, गलती हो जाती है। लेकिन एक शेखुल हदीस साहब है, वो डॉक्टरी पढ़े हुए नहीं, उन्होंने भी इंजेक्शन लगा दिया, अब ये कानून के बुजुर्ग है, क्योंकि ये डॉक्टर ये कह के कि जी इतने डॉक्टर हजारों टीका लगा रहे हैं, उनको कुछ नहीं आपने कहा और मुझे आपने मुजरिम करार दे दिया, ये क्यों? तो यही कहा जाएगा कि डॉक्टर के पास अथॉरिटी थी, तेरे पास अथॉरिटी नहीं है। तो यही फर्क जैसे डॉक्टर में और गैर डॉक्टर के टीका लगाने में है, यही फर्क गैर मुकल्लिद और इमाम शाफी रहमतुल्लाह में है। वो तो मुज्तहिद है। इस तरह ड्राइविंग लाइसेंस है, इसके बाद ड्राइवर मासूम नहीं हो जाता, उससे भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा वली अल्लाह है, वो गाड़ी चला के ले जा रहा है, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो उसको मुजरिम कहा जाएगा कानूनी के तौर पर या नहीं? क्या ख्याल है? नहीं समझ आ रही बात? वो कानूनी तौर पर मुजरिम है, वो ये क्या कर रही का जान छुड़ा सकता कि हजारों ड्राइवर चला रहे हैं, मेरे पीछे क्यों पड़ गए आप? कहेंगे कि उसके पास अथॉरिटी है, तेरे पास अथॉरिटी। तो गैर मुकल्लिद की रफा इजैन गैर डॉक्टर का इंजेक्शन है, वो मुजरिम ही मुजरिम है हर हाल में। गैर मुकल्लिद की फातिहा इमाम के पीछे पड़ना, ये गैर ड्राइवर का गाड़ी चलाना है, वो कानूनी तौर पर मुजरिम ही मुजरिम है। अल्लाह के नबी पर झूठ भी बोलता है और कानूनी तौर पर मुजरिम भी है।
देखिए ये चार मजाहब गोया चार खेत हैं। अब उन खेतों में गड्ढे बोए हुए हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम शाफी के मुकल्लिद ने उनसे पूछकर उनके खेत से गड्ढा ले लिया और गैर मुकल्लिद ने उसी खेत से गड्ढा चोरी कर लिया। अब गर्चे गड्ढे दोनों एक खेत के हैं लेकिन हराम हलाल का फर्क हो गया या नहीं? चोरी का गड्ढा हराम है और जो पूछ कर लिया गया है वो हलाल है। इसलिए बात को समझे, हर गैर मुकल्लद अपने आप को दबी समझता है माज़ अल्लाह। और आप लोग जल्दी से रुका लिखते हैं कि जी इमाम शाफी, आप उनको इमाम शाफी समझते हैं। वो तो अनपढ़ है, जाहिल आदमी है, न वो इमाम शाफी है न वो दबी है। मैंने दसाई शरीफ खोल कर एक गैर मुकल्लद के सामने रखी, उनका शेख उमरीज था वो। मेरे कहा ये ऊपर हदीस है रफाई दर करने की, करता कि जी हाँ। मेरे कहा तू कहता है मैं अल हदीस हूं, ये बाद में हदीस है रफाई दर न करने की, इस पर मेरा अमल है। तू का मुझे तू कहता है अहल और राय है तू, हालांकि ये तो हदीस है ना। आखिर ये क्या वजह है कि उस हदीस पर अमल करने वाला अहल हदीस कहलाए और इस बाद वाली हदीस पर अमल करने वाला अहल और राय कहलाए? कि जी बात यह है कि वो हदीस सही है ये ज़ईफ है। मेरे ख्याल ये अल्लाह ताला का फरमान है कि नहीं, अल्लाह के रसूल का है कि नहीं, उम्मत का इजमा है कि नहीं, मेरी कहते तहकीक। मेरे ख्याल तू तो मेरे किसी खाने भी आता ही नहीं। मेरे चार दलायल हैं, किताबुल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह, इजमा उम्मत और कियास। ना तो मैं तुझे अल्लाह मानता हूं, न मैं तुझे रसूलुल्लाह मानता हूं, न मैं तुझे इजमा उम्मत मानता हूं और न मैं तुझे मुईसर समझता हूं। इसलिए मेरे दलाल के किसी खाने में तू फिट नहीं आता। अब मैं उठने लगा तो मैंने उससे पूछा कि मेरे जाने के बाद तू क्या कहेगा? अगर तू ये कहेगा कि अमीर ने मेरी तहकीक नहीं मानी तो तेरे शागिर्द कहेंगे फिर क्या हुआ, तू अबू हरीफा के नहीं मानता, अबू बकर सिद्दीक के नहीं मानता। अगर अमीर ने तेरी बात नहीं मानी तो कौन सी क्यामत आ गई है? लेकिन तू मेरे जाने के बाद झूठ बोलेगा कि अमीर ने दबी की बात नहीं मानी, हालांकि मैं तेरी बात रद्द कर रहा हूं और दबी की बात रद्द नहीं कर रहा। मैंने कहा मेरे जाने के बाद जो तू दबी बनेगा तो मुझे अभी बता दे तू दबी है। तू मेरे जाने के बाद कहेगा कि अमीर हनफी था मुहम्मदी नहीं था, उसने अपने इमाम अबू हनीफा की बात मानी लेकिन मुहम्मद रसूलुल्लाह की बात नहीं मानी। मेरे कहा मेरे जाने के बाद तू मिर्जे की तरह मुहम्मद रसूलुल्लाह बनेगा तो तुम मुझे अभी बता तू मुहम्मद रसूलुल्लाह है? मैंने कहा अब हाथ जोड़े कहते आप चले जाए उठ के यहां से, आप यहां से। तो हर गैर मुकल्लद अपने आप को नबी समझता है, बल्कि नबी भी मुहम्मद रसूलुल्लाह समझता है, वो अपनी बात को एक नबी की बात समझता है। इसलिए और आप जल्दी से उनको इमाम शाफी समझते हैं, आपको इमाम शाफी याद आ जाते हैं। अब ये रुके बुगातियों के बाद।